हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ आलू लच्छा पकौड़ा। तो ये मैंने आलू को धो करके साफ़ कर लिया है, इन्हें मैंने फील कर लिया है, ऑयल लिया है मैंने, धनिया लिया है, प्याज लिया है, सौंफ लिया है, ग्रीन चिली, रेड चिली ली है, मीठी नीम ली है, नमक लिया है मैंने, अजवाइन लिया है मैंने, चावल का आटा लिया है, बेसन लिया है। तो चलिए चलकर बनाते हैं हम आलू के लच्छा पकौड़े। देखिए मैंने ये ग्रेटर ले लिया है और मैं आलूओं को इस तरह से किस लूँगी। देखिए इस तरह से मैं अपने में सारे आलूओं को क्रश कर लूँगी। देखिए मैंने सारे लच्छे अपने बना लिए हैं। देखिए अब हम एक कप बेसन ले रहे हैं। मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और 5 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। 1 टीस्पून हम जीरा ले लेंगे, 1/2 टीस्पून हम रेड चिली ले लेंगे, मीठी नीम हम ले लेंगे 8-10 पत्ते, अजवाइन ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिली ले लेंगे हम 1, सौंफ ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून, 1/2 पिंच चम्मच हींग ले लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम पानी डाल करके एक बैटर बना लेंगे। तो बैटर हमारा देखिए बन गया है। अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। ये मैंने एक प्याज ली है। हमें आलू के लच्छे इसमें डाल देंगे। धनिया डाल देंगे। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं 1/3 चम्मच मीठा सोडा इसमें डाल देंगे, इससे भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम अपने पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। अब हम अपने पकौड़ों को पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम में हमको फ्राई करना है। तो देखिए हमारे पकौड़े बहुत अच्छी तरह से तल गए हैं। ये देखिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं अपने सारे पकौड़े तल लूँगी। जी गाइस, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारे आलू लच्छा पकौड़े। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।